मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज डेट टली, ओमिक्रॉन की वजह से मेकर्स ने लिया फैसला। पटना में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दूसरे जिलों में भी कोविड ने पकड़ी रफ्तार, सीएम करेंगे हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली में 5481 नए मामले और 3 मौतें, आईआईटी खड़गपुर के 40 छात्र और 20 प्रोफेसर संक्रमित। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो को फिर हुआ कोरोना, तीसरी बार संक्रमित, इस बात को लेकर जताई चिंता। शार्दुल ठाकुर से निराश होकर राहुल द्रविड़ ने बंद कर ली थी आंखें, अब गेंद से कहर बरपा कर जीता दे। यूपी में 25,000 का इनामी पूर्व सांसद धनंजय सिंह खुलेआम घूम रहा, पुलिस 7 महीने से कर रही तलाश, किनारा कर रहे अधिकारी। न्यायालय में वैकेंसी, रायपुर जिला और फैमिली कोर्ट में 5वीं पास से ग्रेजुएट तक को मौका, 90 पदों के लिए 31 जनवरी तक करें आवेदन। बिरगांव में नंदलाल देवांगन ही महापौर, बीजेपी के पति राम साहू को 10 वोट से हराया, 40 में से 25 वोट मिले, कांग्रेस के कृपा राम बने सभापति। 200 रुपए के लिए भतीजे की हत्या, बिलासपुर में फूफा ने 2 बेटों के साथ चाकू से मार डाला, उधार दिए रुपए मांगने गया था। रायपुर और रायगढ़ में नाइट कर्फ्यू, स्वास्थ्य मंत्री को ओमिक्रॉन की आशंका, 4 आईपीएस अफसर भी संक्रमित। ओमिक्रॉन के 99% मरीज 7 दिन में ही हो गए थे ठीक, फ्लू जैसे मिले लक्षण। रूपा तिर्की केस में हाई कोर्ट से दारोगा शिव कुमार कनौजिया को मिली जमानत, 6 महीने से है जेल में बंद। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बजट में हो सकते हैं बड़े ऐलान, सरकार की तैयारी पूरी। राजस्थान में दाल खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचा ठग, बातों बातों में व्यापारी को लगा दिया लाखों का चूना। भूस्खलन की चपेट में आए अस्पताल का निर्माण कर रहे मजदूर, 14 लोगों की मौत, 3 जख्मी। उत्तराखंड में आज से बदलेगा मौसम, IMD ने बारिश बर्फबारी का जारी किया अलर्ट। जैकेट उधार नहीं देने पर दोस्त का किडनैप कर किया मर्डर, 3 लोग गिरफ्तार। मुंबई में कोरोना संकट से निपटने के लिए नई गाइडलाइंस जारी, 1 मरीज मिला तो पूरी मंजिल सील, 10 केस मिले तो इमारत होगी। इंडिगो ने मुंबई और दिल्ली से बंगाल के लिए फ्लाइट्स पर लगाई रोक। पेंगोंग झील पर चीनी पुल को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा बहुत तेज है उनकी खामोशी की गुण। भारतीय सेना ने चीन के अंदाज में दिया उसे जवाब, गलवान में फहराया तिरंगा। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे थे न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।